पैसे को सही तरीके से निवेश कहाँ करें, इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे देना चाहता हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे बहुत बार पूछा है कि निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना सिखाइए। बड़ा मुश्किल है इन्वेस्टमेंट करना, बिकॉज इन्वेस्टमेंट के लिए एक ऐसा, जब भी आप जो थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं ना, उसको बचाने की और उसको बढ़ाने की आपके अंदर में टेंडेंसी होनी चाहिए। वॉरेन बफेट ने ये मुझे बताया था, सिखाया था, और तब से पता नहीं कैसे दिमाग में घुस गया। जो एक बुक है ना, कौन सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन की बुक है, द इन्वेस्टर, कौन सी बुक है, उसका नाम है द ग्रेट इन्वेस्टर और इन्वेस्टिंग करके कुछ है, गाइड टू इन्वेस्टिंग करके कुछ है, मैं नाम बता दूंगा बाद में आपको रहेगा। उसमें बहुत खास रूल बताते हैं हमारे वॉरेन बफेट, बोलते हैं जो पैसा आपके पास है उसको पहले बचाना सीखिए। ये मत सोचिए कि आपका एक रुपये दो रुपये कैसे बनेगा फटाफट, आप ये सोचिए कि एक रुपये जो आपके पास है उसको कैसे बचा सकें। उसका बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। आज मेरी वाइफ ने हमारे उनको यूज़ किया, हम लोग का मतलब जो लेडीज़ का अक्सर ये रहता है कि मैं सोना चांदी खरीदना चाहती हूँ, मैं हीरा मोती खरीदना चाहती हूँ, टेलीविज़न के एड्स देखते हैं तो सबके मन में लालच आता है। तो मेरी भी वाइफ नॉर्मल वाइफ है, जैसे आपकी वाइफ हो सकती है, किसी की वाइफ हो सकती है, तो अक्सर उसके मन में भी आता है कि कुछ ना कुछ सोना चांदी खरीदें। आज हम लोग जब इलाहाबाद से आ रहे थे तो एक शॉपिंग मॉल पड़ता है वहाँ पे, फिनिक्स मॉल, तो मैं तो घुस गया एक सेकेंड हैंड मोबाइल की दुकान में जहाँ पर हम लोग एक सेकेंड हैंड मोबाइल खरीद सके ताकि हम वीडियोस बना सकें। सेकेंड हैंड में खरीदता हूँ बिकॉज सस्ते मिलते हैं, ये भी एक तरीका है पैसे बचाने का। खैर, आप दूसरा बहुत अच्छा तरीका उन्होंने मुझे बताया डॉक्टर, मेरी वाइफ ने, कि बोलती हैं जब भी मुझे सोना खरीदना होता है तो मैं सोने का जाके बिस्किट खरीदती हूँ। मैंने कहा बिस्किट क्यों, तुम्हें पहनना होगा गहने वगैरह, तो बोलती है फिर मैं जा करके ब्रांडेड ज्वेलरीज ले सकती हूँ। मैंने कहा मतलब, एक अंगूठी ब्रांडेड ज्वेलरी जो होती है, जैसे कुछ कुछ कंपनीज आती हैं ज़वेरी वगैरह की, वो लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाते हैं और वो गारंटी के साथ बताते हैं कि अगर इसमें कोई भी डिफेक्ट हो जाए, इसका पॉलिश उतर जाए, उसको हम ठीक करके वापस दे देंगे। आज डॉक्टर साहब ने एक अंगूठी, एक कान का बाला, एक गले का नेकलेस और एक ब्रेस्ट लिया, टोटल खर्चा हम लोग का हुआ 3,000 रुपये। अगर यही चीज़ उन्होंने सोने का और डायमंड का लिया होता तो टोटल खर्चा हमारा शायद कम से कम भी लेते तो भी 2-2.5 लाख रुपये आता। अच्छा, उस 2-2.5 लाख रुपये में हम मेकिंग चार्ज देते कम से कम 30%, तो अगर 2 लाख है तो 30% बिकम्स 60,000 रुपीज़। तो अगर हम 2 लाख रुपये का सामान ले रहे हैं किसी दुकान से और अगले दिन जाकर के उसको वापस करते हैं तो हमको 2 लाख रुपये के बदले में केवल 1,40,000 रुपये मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई सोने का बिस्किट खरीदते हैं तो उसमें मेकिंग चार्जेस कुछ होता नहीं है, ज़ीरो होता है। मैं सोच रहा था, मुझे डॉक्टर साहब बोलती हैं कि बताओ आशीष, ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनती है क्या उसमें मेकिंग चार्ज नहीं होता, क्या उसमें उतने कलाकारियाँ नहीं है? और मैंने पूछा, लेकिन तुम आर्टिफिशियल ज्वेलरी क्यों खरीद रही हो? बोलती है मुझे बिकॉज पहन करके शौक पूरा करना है, मुझे पहनना है ज्वेलरी। मैंने कहा लेकिन आर्टिफिशियल क्यों पहनना? बोलती है खो जाए, बिगड़ जाए, टूट जाए तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, 3,000 का है, 2,000 का है, 1,000 का है, 500 का है। अंगूठी 500 रुपये की थी और जब वो पहनकर बाहर निकलती हैं लोग उनसे पूछते हैं, बल्कि मेरी माँ ने मतलब उनकी सास पूछ रही थी कि अंगूठी तुम्हारी हीरे की है, तो मुस्कुरा करके चुप रह गई। अरे बोलो बताओ बताओ हीरे की है? तो उन्होंने कहा नहीं मम्मी, हीरे की नहीं है। मैं सोच रहा था कि अगर कोई विश्वास करेगा कि नहीं करेगा, क्या है आपके हाथ में अंगूठी है, कान में बाला है, इस चीज़ को कोई क्या जानेगा? इनफैक्ट ओशो से किसी ने पूछा था, वो जब कपड़े पहनते थे तो बहुत ही कीमती कपड़े पहनते थे, उनके पास घड़ियाँ होती थी, लाखों रुपए की घड़ियाँ लोग कहते हैं पहनते थे। जब उनसे पूछा गया था जेल में, जब वो ओरेगॉन में अमेरिका में पकड़े गए थे जेल में, उनके ऊपर 158 के करीब केस, कोर्ट केसेस किए गए थे, तो उनकी करीब 100-150 से ज़्यादा घड़ियाँ थी जिसमें कि डायमंड स्टडेड थे। तो अब पता नहीं वो डायमंड स्टडेड थे, असली थे कि नकली थे, तो लेकिन जब अंग्रेज़ उनसे पूछते थे, अमेरिकन पूछते थे कि ये असली हैं, बोलते मेरे लिए तो असली हैं। तो जैसे ही बोलते थे मेरे लिए असली हैं, सामने वाले को डाउट होता था कि ये सचमुच में असली हैं कि नकली हैं। असली क्या है? जो चीज़ आप पहन करके एंजॉय करें वो असली है कि जो चीज़ आपको अमीर बनाए? तो अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदते हैं, ये मैं जबरदस्ती बोल नहीं रहा हूँ आप करें, बट आप 2 लाख रुपए का सोने का सिक्का लेकर के खरीद करके अपने लॉकर में रख दीजिए, दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट, अ वेरी सॉलिड इन्वेस्टमेंट। और अगर आपको गहने पहनने हैं, जा करके अच्छी अच्छी ब्रांडेड गहनों की ब्रांड्स हैं, मैं आपको बता दूंगा, SCI करके कोई ब्रांड था और एक दो तीन और, मैं ब्रांड का नाम नीचे डाल दूंगा, आप वहाँ से ज्वेलरी खरीद लीजिए एंड दे गिव ग्रेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मतलब मैं कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो खरीदा है और दे आर वेरी गुड क्वालिटी। इनफैक्ट
एक रिम्पी को मैंने शादी हमारी जब कमा नहीं रहे थे तब मैंने खरीदा था, आज से करीब 10-11 साल पहले। उसमें मतलब मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मुश्किल से 500-600 रुपए की एक अंगूठी मैंने खरीद के दी थी। आज तक उसका कलर वैसे का वैसा ही है, वो एक तरह से कितने का 18 कैरेट का शायद होगा, 1000-1200 रुपये का मैंने उसको दिया था, बड़ा पॉकेट मनी बचा बचा के। बड़े खुशी खुशी और बहुत प्यार से पहनती है, मुझे लगता था मैं अपनी वाइफ को बेचारी को सोना और हीरा नहीं दे पाया, लेकिन उसको हीरे और सोने से ज़्यादा कीमती बना करके पहनती है। एंड आई एम अ हैप्पी मैन। दोस्तों सब्सक्राइब करिए और डोनेट करके हमको इस तरह के और वीडियोस बनाने में मोटिवेट करिए।